इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लगभग 130 दिनों में भू माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया। इस दौरान कोरोना भी बीच में आया। कोरोना के मद्देनजर पूरा देश लॉकडाउन हो चुका था, लेकिन क्राइम ब्रांच अपराधियों के लिए अनलॉक रही। लगातार अपराधियों की धरपकड़ चलती रही। इंदौर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके इनामी भूमाफियाओं पर क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा। कई बड़े भूमाफिया इस बीच क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया, यानी या तो जेल या हवालात। इस पूरे काम का श्रेय एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडोतिया और उनकी टीम को जाता है। एडिशनल एसपी क्राइम डंडोतिया की पोस्टिंग 2020 फरवरी में हुई थी। इसके बाद वे लगातार भूमाफिया अभियान में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि शहर के कई भूमाफिया अब पुलिस की गिरफ्त में है। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडोतिया से बात की और 130 दिनों में भूमाफिया विरोधी अभियान के बारे में जानकारी ली। देखिए रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन 2020 फरवरी में जब एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडोतिया की इंदौर में पोस्टिंग हुई, इसके बाद लगातार लंबे समय से फरार इनामी भूमाफियाओं की धरपकड़ शुरू हुई और यह संख्या लगातार हर दिन बढ़ती जा रही है, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने थे, अब सब सलाखों के पीछे हैं। इस संबंध में हम एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडोतिया से जानकारी लेंगे कि किस तरीके से भू माफिया अभियान को एग्जीक्यूट क्राइम ब्रांच द्वारा किया गया। ये चूंकि जब मैं आया था तो ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी थी और लोग जो विभिन्न एफआईआर से वांटेड थे, आईजी सर श्री विवेक शर्मा सर और उस समय तत्कालीन डीआईजी जीवंत मिश्र मैम ने भी एक्शन लिया। उसके बाद फिर हमने कार्रवाई शुरू की, एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई। तो सबसे पहले ऐसी क्रम में सबसे पहले भोरी छापड़ा को गिरफ्तार किया गया था, फिर उसके बाद युवराज उस्ताद को गिरफ्तार किया गया था, फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में हमारे द्वारा, चूंकि लॉकडाउन में कोई हम कार्रवाई कर नहीं सकते थे, लॉकडाउन में हमने पूरा समय अपना प्लानिंग में बिताया और प्लानिंग की कैसे कैसे लॉकडाउन खुलेगा, फिर हमें क्या कार्रवाई करनी है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला 1 जून को, फिर हमने 10 जून के लगभग हैप्पी धवन को फिर अरेस्ट किया, फिर उसके बाद चंपू अजमेरा को अरेस्ट किया, फिर उसके बाद चंपू अजमेरा के बाद महेंद्र सोनी को अरेस्ट किया, महेंद्र सोनी के बाद जो मोस्ट वांटेड जीतू सोनी को भी अरेस्ट किया। जीतू सोनी को अरेस्ट करने के बाद फिर जो और अन्य प्रकरणों में जो एफआईआर जो हुई थी उसमें वांटेड थे, जिसमें संदीप रमानी उसको अरेस्ट किया और सतवीर छाबड़ा उसको अरेस्ट किया और उसके अलावा सारी चंदन वाला फरार था उसको अरेस्ट किया। अभी हाल ही में लगभग 10 दिन पहले अरुण डागरिया को भी अरेस्ट किया। सभी लोग रिवॉर्डेड थे, इसमें सब पे मिलाकर लगभग 3 से 4 लाख का रिवॉर्ड घोषित था। इन सभी लोगों को इंदौर पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड एफर्ट से सभी को अरेस्ट कर जेल भेजा गया था। अभी और कोई भू माफिया है जो इंदौर पुलिस के निशाने पर है, इनामी है और फरार है? अभी जो मेन जो भू माफिया थे, जो बड़े बड़े भू माफिया थे, वो सब सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब कोई जो छोटे हैं, जो जिनका एक पार्ट, एक छोटी सी भूमिका रही हो, तो उसमें भी ऑलरेडी इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही है। लेकिन जो बड़े बड़े भू माफिया थे, जिनकी इंदौर पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी, वो संयुक्त इंदौर पुलिस के संयुक्त प्रयास से ये संभव हो पाया। कोरोना काल में जहां पुलिस प्रशासन सब जो है अलर्ट मोड पे थे, कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, इस बीच क्राइम ब्रांच पूरे समय सक्रिय रही कोरोना काल में भी, और लिस्टेड जितने भी भूमाफिया हैं, इनामी भूमाफिया हैं जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने थे, सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, जैसा कि क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी डंडोतिया ने हमें बताया। एक्सपोज टुडे से मैं हिमांशु जोशी।